हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टूपर स्प्रैंग चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके के, यानी कि जनरल नॉलेज के, ठीक है, अपनी डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं उसको हम करते रहेंगे, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, एसएससी में भी जो है अलग अलग चीज़ें चलती, फिर सीजीएल है, एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, जेई है, इसमें अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम आती है, तो उसमें जो है जीएस पूछी जाती है। और यही ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे दिल्ली वाले एग्ज़ाम में जो है रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है हम आज करने वाले हैं जो कि पूछे गए हैं वहाँ पर। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार? बैसाखी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैसाखी। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भी अगर प्रेजेंट में भी बात करें हम 2024 में भी कौन है नए अध्यक्ष इसके, मतलब सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नितिन गुप्ता है, ठीक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं जो योजना आयोग के क्या रहे? उपाध्यक्ष भी रहे। तो आपको पता है 2012 से लेकर 2017 तक प्रणब मुखर्जी क्या रहे थे? भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और जो योजना आयोग है ये 2014 में जो था ख़त्म होके फिर बाद में जो है ये बना था, नीति आयोग बना था, ठीक है। तो उस वक्त जो योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे तो वो प्रणब मुखर्जी रहे थे उसमें, ठीक। 13वें राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया था। और अभी अगर आप देखेंगे तो 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और 15वें जो हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डैश की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। अब देखो ऊंट कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में, तो ये राजस्थान की सरकार ने ही की है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है ऊंटों की जो संख्या घट रही थी हर साल, तो उस वजह से जो है राज्य सरकार ने अपने जो बजट था उसमें इस नीति की घोषणा की थी, ठीक। चलिए अगला देखिए, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है? स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें सबसे प्रमुख है। तो देखो, इकट्ठा होने की आज़ादी, निवारक निरोध, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे ही स्वतंत्रता के अधिकार हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये किस आर्टिकल से लेकर कब तक है? तो देखो 14 से लेकर 18 तक जो है वो क्या है? समानता का अधिकार है या क्षमता का अधिकार है, ठीक है। और 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे फिर शोषण का विरुद्ध है 23 और 24 में, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आता है, ठीक है। और इसमें भी देखो फिर अलग अलग इसमें आते हैं, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये किस आर्टिकल में है ये याद रखना आपको, ये आर्टिकल 21 में है और यही जो है सबसे प्रमुख अधिकार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 21A भी आपको याद रखना है, 21A में क्या है? जो प्रारंभिक शिक्षा है प्राइमरी लेवल की, वो जो अधिकार दिया गया है वो इसी में दिया गया है 21A में, ठीक है। ओके, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 में है। सारे ही कर लेते हैं। आर्टिकल 19 में छः जो है छः तरीके की अधिकार है, तो जो पहला अधिकार उसमें दिया गया है वो भाषण और अभिव्यक्ति का ही दिया गया है। दूसरा सभा का,
जो इकट्ठा होने की जो होती है वो हो जाएगा, ठीक है। संगठन बनाने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, निवास स्थान से रिलेटेड है, पेशे से रिलेटेड जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी है, ठीक। तो ये याद रखना है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है, और यही जो है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो ये मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए के जो है संविधान से ये चीजें ली गई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अमजद अली खान को, ठीक है। अमजद अली खान आपको इसमें नाम याद रखना है, अमजद अली खान का, ठीक है। सरोद सम्राट मतलब सरोद वादन से ये रिलेटेड है। इन्हें जो है 2001 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान? पद्म विभूषण। और पहले नंबर पे कौन सा आता है? भारत रत्न आता है। तो पद्म विभूषण से जो इन्हें सम्मानित किया गया था 2001 में, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या है? इसमें बोला गया किए गए कार्य की इकाई, तो यहां पे कार्य मतलब अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो क्या होता है वर्क, वर्क की एसआई यूनिट पूछी है क्या होगी, तो क्या हो जाएगी वर्क की एसआई यूनिट? ये हो जाएगी जूल, ठीक है। वर्क इक्वल टू किसके बराबर होता है? एफ इंटू एस होता है, ठीक, ओके। एफ से क्या बनता है? एफ से बनता है फोर्स यानी कि बल, और एस से क्या बनता है? एस से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट को? विस्थापन, ठीक। फिर फोर्स की आपसे यूनिट पूछी जा सकती है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है? फोर्स की होती है न्यूटन। क्या होती है एसआई यूनिट फोर्स की? न्यूटन होती है, ओके। वर्क की एक और जो है यूनिट होती है कौन सी होती है? न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर होती है, पर यहाँ पे एसआई यूनिट इसमें दी नहीं गई है, यहाँ पे ये इसकी एसआई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो जूली होती है, ठीक। तो कोई सा भी ऑप्शन में देख सकता है, आपको न्यूटन मीटर भी दे सकते हैं और दूसरी चीज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से देश के आदर्श पर बल दिया, तो किस पर बल दिया था? मोक्ष पर बल दिया था। सेकंड ऑप्शन यहां पे मोक्ष जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राम कृष्ण जो मिशन था ये 1 मई 1897, रामकृष्ण जी के जो शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो है इस मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद इन्होंने जो है इस मिशन की शुरुआत की थी, और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किस के आदर्श पर बल दिया था? तो मोक्ष के आदर्श पर जो था बल दिया था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, गोल्जी काय में परिपक्व भाग डैश होता है, क्या पूछा इसने? गोल्जी काय में या गोल्जी उपकरण कह लो, इसमें जो परिपक्व भाग होता है वो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, ठीक है। गोल्जी काय क्या होता है? गोल्जी एपरेटस, एपरेटस में इसका मैच्योरिंग फेज पूछा है क्या होता है, मैच्योरिंग फेज क्वेश्चन में ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो इसका मैच्योरिंग फेज होता है वो क्या होता है? उत्तल होता है। उत्तल को क्या बोलते हैं? कनकेव बोलते हैं, ठीक। तो याद रखना है करेक्ट आंसर कनकेव, ठीक है। कनकेव
और ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी इज मैच्योरिंग फेस विच प्रोड्यूस गोल्जियन वेकल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, कोयले का जलना किसका एक उदाहरण है? कोयले का जलना, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये उदाहरण है किसका? संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे इसको? कोयले को जो जलना है, देखिए इंग्लिश में इसको वन बाय वन हम देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोयल। ठीक है, वेट एक मिनट, देखो बर्निंग ऑफ कोयल किसका एग्जाम्पल है ये पूछा था। देखो वियोजन क्या होता है, संयोजन का है ये, संयोजन का देखो क्या होता है, संयोजन का होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, इस तरीके से है। तो बाकियों का तो हमें क्या करना है, तो हमें तो सिर्फ जो हमारा आंसर है उससे मतलब है। तो कोयले का जो जलना है ये संयोजन अभिक्रिया का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पादपों में जाइलम उत्तक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है। तो पादपों में जाइलम उत्तक का जाइलम पेरेन्काइमा भाग जो होता है ये क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बस इसको, जाइलम पेरेन्काइमा। तो देखो इंग्लिश में ही है ये, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, जाइलम पेरेन्काइमा हो जाएगा, जो कि जो पादप क्या बोलेंगे इसको, प्लांट, प्लांट होते हैं ना पादप। ठीक है, तो पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर फूड्स, तो वो हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? यहाँ पे याद रखना है कौन सा पूछा गया, दूसरा जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तब। सबसे पहली बात की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, वो भी जानेंगे। तो इसमें जो थीम निर्धारित की गई थी वो थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ठीक है, और 2014 में इसको मनाने की जो थी शुरुआत की गई थी, हर साल 21 जून को जो है, नहीं 2014 में नहीं, 2015 से शुरू किया गया था ये। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 2014 में तो सिर्फ प्रस्ताव रखा था, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की जो थी सरकार आई थी, उसके बाद जो है इन्होंने महासभा में जो है अपने भाषण के दौरान इसका प्रस्ताव जो था रखा था, फिर अगले साल से, ठीक है, अगले साल से 2015 से जो है इसको मनाना शुरू किया गया था, और 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और दूसरा जब मनाया गया तो जो उसकी थीम थी वो थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। तो ये नहीं देखना है कि देखो क्वेश्चन अभी देखो 2016 का मान लो आप, ठीक है, 2016 में दूसरी बार बनाया गया होगा, तो तब का क्वेश्चन भी जो है इसमें उठा के दिया गया है। तो कुछ भी जो है दे सकते हैं, जो ऑनलाइन पेपर होता है इसमें यही होता है कि कहीं से भी जो है कुछ भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। ठीक है, साथ में आपको करंट की चीज़ भी याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2023 में मनाया गया कि उसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो थी 2023 के योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। और योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, 24 में ऑब्वियस अभी मनाया नहीं गया है, तो 2023 तो आपको याद रखना ही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है पूछा है। ठीक है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं जो वो जहाँ पे नहीं है वो बताने हैं। तो देखो तारापुर में भी है, नरोरा में भी है, और रावतभाटा में भी है। जहाँ पे नहीं है न्यूक्लियर प्लांट वो है विजयवाड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। ठीक, और कौन कौन सी जगह परमाणु संयंत्र हैं ये याद रखने हैं। एक तो एक इनकी जगह का नाम आपको याद रखना है, जैसे एक आता है सबसे पहले
काकर पार परमाणु संयंत्र कहाँ पे है काकर पार? तो ये है गुजरात में, ठीक है। 1993 में जो है ये संयंत्र बनाया गया था, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप एक नाम देख रहे हैं, तारापुर, तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन, ये 1969 में बना था। और तारापुर कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा नरोरा की बात करें तो नरोरा 1991 में बना था, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, और ये भी ये कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ पे हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा। रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा राजस्थान में है, ठीक है, ये राजस्थान में हो जाएगा। और कौन कौन से हैं? एक है कैग परमाणु संयंत्र, कैग जो है ये कर्नाटक में है, कै के दोनों का याद रखना है कैसे, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान हो जाएगा, ठीक। नरोरा यूपी में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरपारा ये गुजरात में है। एक और नाम आता है कल्पक्कम का, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये तमिलनाडु में है कल्पक्कम, ठीक है। कल्पक्कम जो मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और इन सब में अगर हम सबसे पुराना देखें तो कौन सा है? वो है तारापुर बिजली स्टेशन, 1969 में वो बना था, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद 1969 के बाद 1984 में आता है कौन सा? कल्पक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर इस तरीके से आए गए, नहीं उससे पहले राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र जो रावत बांट है वो भी जो है आ गया था, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा इतना, वो नहीं पूछा जाएगा कि किस ईयर में आया था, बट ये किस जगह पे है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक धार्मिक समाज की एक सॉरी नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया, ठीक है। तो जिसे ब्रह्म समाज के नाम से, ठीक है, ब्रह्म सभा भी नहीं थी वो, उसका नाम वो था आत्मीय सभा था। क्या था? आत्मीय सभा के नाम से जो एक सुधार संघ जो था बनाया था, कब? 1814 में, ठीक है। 1814 में राजा राम सॉरी क्या नाम था, राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा के नाम से जो है एक धार्मिक समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया, ठीक है। ओके ये 1814 में हुई थी आत्मीय सभा के लिए। ओके ओके ब्रह्म सभा भी थी, ब्रह्म सभा की जो स्थापना थी ये राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, और इसे भी जो है ब्रह्म समाज नाम जो था दे दिया गया था, कब? 1829 में। तो दोनों ही अगर आपसे ब्रह्म सभा पूछा जा रहा है, आत्मीय सभा पूछा और इन्हें नाम दे दिया गया ब्रह्म समाज का, इन दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, आत्मीय सभा की 1814 में और ब्रह्म सभा की 1828 में, और इसका नाम बदलकर जो था ब्रह्म समाज कर दिया गया 1829 में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किस सरकार ने किया है? केरल की सरकार ने किया है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? जहां पे हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए, देखो हरियाणा में भी है, जैसे राखीगढ़ी है, बनावली है, ये है, ठीक है। राजस्थान में, फिर राजस्थान में भी जो है अलग अलग जगह हैं, गुजरात में भी है, बट उत्तराखंड में जो है हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। अगला है, संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है, तो संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। संसद जो है भारत का क्या है? सर्वोच्च विधायी निकाय है, ठीक है। संसद बना किस किस से है? तो ये क्वेश्चन आता है संसद में कौन कौन आता है, तो तीन चीजें जो इसमें आती हैं, लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन से मिलकर जो है हमारी क्या बनती है, संसद बनती है। ठीक है, तो संसद शब्द जो है राष्ट्रीय विधायिका यानी कि विधायी निकाय को जो है संदर्भित है करता है। ठीक, सॉरी, अगला देखिए, बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से खेल किस खेल खड़ी क्रीडा में किया जाता है। बैक स्टिक, तो ये शब्द यूज किया जाता है हॉकी में। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर राज्य, मैंने इससे पीछे वाली वीडियो थी जो, उसमें भी बहुत डिटेल में आपको बताया है, चार जो है वंश इस पर रहे, इसकी जो स्थापना थी विजयनगर राज्य की वो की थी संगम वंश ने। ठीक है, चारों वंश मैंने आपको कराए हैं। ठीक, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो हमारी DSSP का जो सिलेक्शन बैच चल रहा है जिसमें हम रिवाइज कर रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चन बताया है। ठीक है, संगम राजवंश, और इसकी जो स्थापना थी वो किसने की है, तो हरिहर और बुक्का, हरिहर एम बुक्का ने जो है 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की थी, और 1485 तक जो है संगम राजवंश का शासन विजयनगर राज्य पर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे संगम यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वूटर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। 2015 का क्वेश्चन आएगा, देखो ये रिकी केज ने जीता था, तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। साथ साथ आपको जो 2023 के ग्रैमी अवार्ड है वो भी याद रखनी है, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड भारतीय को भी जो है मिला है। ठीक है, तो भारत यानी कि भारत की तरफ, भारत को भी जो है ग्रैमी अवार्ड इस बार मिला है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वहाँ जाके देख लीजिएगा कि किसको जो है 2023 का ग्रैमी अवार्ड मिला है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए, भूदृश्य पर जल पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डैश कहते हैं। तो जल पवन और हिम से जो क्षय होता है उसको बोला जाता है अपरदन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। ओके, राष्ट्रीय आय आकलन की जो विधि नहीं है वो बतानी। देखिए, राष्ट्रीय आय आकलन की विधि कौन कौन सी है, उत्पाद विधि भी है, वितरण भी है, और व्यय विधि भी है। ठीक है, तो तीनों हैं, जो नहीं है वो है बैंकिंग विधि। तो बैंकिंग विधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इन्हें, देखो वेट, सबसे पहले उत्पाद विधि है जैसे, तो उत्पाद को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। विधि क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो तीन विधियां होती है इसकी, प्रोडक्ट मेथड हो गया, एक हमारा क्या बोलते हैं, इनकम मेथड, इनकम मेथड हो गया, और व्यय एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। तो ये तीन जो हैं क्या हैं, ये नेशनल जो इनकम होती है उसको कैलकुलेट करने की जो है तीन विधियां होती है, तो तीनों के नाम आपको पता होनी चाहिए। जो इसमें नहीं है वो है बैंकिंग मेथड, यानी कि जो बैंकिंग विधि है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, वो आय आकलन की विधि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में वायु दूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1981 में जो है एयर, ये वायु दूत एयरलाइन जो थी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अनबुझा चूना मींस क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत बार आ चुका है क्विक लाइम वाला क्वेश्चन, क्विक लाइम CaO, क्या बोलेंगे इसको, और Ca से बनता है कैल्शियम और O से बनता है ऑक्साइड। ठीक है, तो CaO जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, जला हुआ चूना या बिना बुझा चूना भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्या बोला है यहाँ पे, कौन सा कथन असत्य है जो सही नहीं है। देखिए, कोशिका चक्र मतलब सेल साइकिल से रिलेटेड जो क्या है
इनकरेक्ट है, फॉल्स है। यहाँ पे आ रहा है समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है। ओके, जो प्रिपरेशन होती है किसकी, मिटोसिस की। क्या वो G2 फेज में होती है, तो बिल्कुल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला है जीवन चरण में यानी कि जीवन फेज में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है, यानी कि जो सेल होती हैं वो क्या होती है, फिजिकल लार्जर होती हैं और एंड कोशिकांगों की प्रतिकृति बनती है और कॉपी होती है किसकी, ऑर्गेनल्स की। किसकी कॉपी होती है, ऑर्गेनल्स की होती हैं। और जो फिजिकली होती हैं सेल्स वो क्या होती हैं, लार्ज होती हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है, तो ये पॉइंट भी सही है। अगला है जो एस चरण है यानी कि एस फेज में डीएनए की प्रतिकृति बनती है, मीन्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बनता है एस फेज में। ठीक, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में कह रहा है कि एम चरण में, जो एम फेज है, यहाँ पे कोशिका शारीरिक रूप से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, यानी कि शेल ग्रो फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल्स। ठीक है, लेकिन ये तो हम जीवन चरण में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा, या तो सेकंड सही हो सकता है या तो फोर्थ सही हो सकता है, लेकिन अगर हमने सेकंड को सही माना है तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, खुद ब खुद गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी, 2019 के क्या, सैन्य विश्व खेल, तो ये की थी वुहान चीन ने। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैगलम। तो बैक्टीरियल फ्लैगलम जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में जीवाणु कशाभिका बोला जाएगा, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और फ्लैगलम मतलब कशाभिका। ठीक है, तो तीन भाग जो है इसमें होते हैं, फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है, मतलब आधारीय शरीर, फिलामेंट मतलब तंतु और हुक होता है अंकुश। ठीक है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो। चलिए अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है चुना जाता है। ठीक है, इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है ये किस उसमें मिलता है, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 63 आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछा जाता है तो 52 याद रखना है। 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है और आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति का जो है उल्लेख है। ठीक है, कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा 63 में, तो 5 साल का जो है ये कार्यकाल इनका होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम डैश है। ओके, ये नाम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो CaOCl2 इसको क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर वैसे नाम देखें इसका तो Ca क्या बन रहा है आपका, कैल्शियम बन रहा है। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसे जो है क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और यहाँ पे दिया गया है, वो क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, ओके, इसको इरेज कर लेते हैं एक मिनट। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या कहते हैं इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है, सोडियम Na हो गया, बाई कार्बोनेट HCO3, NaHCO3, ये भी पूछ सकते हैं NaOHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो वो हो जाएगा बेकिंग सोडा, और इसी को बोला जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है,
ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। अब इसमें देखिए क्या है, Ca मतलब कैल्शियम हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा और डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये जो है जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। तो सारी याद आपको रखने हैं। ओके, लास्ट इसमें बचता है धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है? ये NaHCO3 था तो ये बाइकार्बोनेट था, और धावन सोडा होता है वो होता है Na2CO3, ठीक है। H नहीं होता है उसमें, Na मतलब सोडियम और बाइकार्बोनेट ना करके क्या हो जाता है, कार्बोनेट हो जाता है। सिर्फ क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा बाइकार्बोनेट की जगह पे। धावन सोडा कौन सा, जो धोने वाला जो सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, इसको और क्या बोल सकते हैं आप, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये धावन सोडा हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो डांडिया रास, गरबा और विछूडो तीनों ही गुजरात राज्य के क्या हैं, फोक डांस है, ठीक है। लेकिन जो नहीं है वो है विदेशिया। विदेशिया ये बुंदेलखंड में गाई जाती है, ठीक है। और बुंदेलखंड कहाँ पे हो जाएगा, विदेशिया जो है ये एमपी का हो जाएगा, एमपी का, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक। तो एमपी का है विदेशिया, ओके। बाकी मैंने करवाई रखी है तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, जिसने नहीं देखा है वो आप देख लीजिएगा जाके। बिछूड़ो याद रखिए, डांडिया और गरबा सबको बताएंगे, बिछूड़ो भी याद रखना है, ये भी गुजरात का ही क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नहीं, फोक डांस, लोक नृत्य है, लोक नृत्य, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, कटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ ये पाई जाती है शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कांटेदार वन हैं ये इधर राजस्थान का एरिया हो गया, ठीक है। गुजरात मतलब जो आसपास लगते हैं ना राजस्थान के, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनके अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो है कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, कांटेदार वन कह लो, ठीक है। चलिए अगला है, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेदार का अर्थ है, मूवेदार का अर्थ पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, मूवेदार का अर्थ है तीन मुखियां, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूवेदार मतलब तीन मुखियां, ठीक। तो और वो तीन जो प्रमुख है, तीन शासक परिवार, ये जिनके लिए ये शब्द यूज होता है वो है कौन, चोल, चेर और पांड्या, ठीक है। इन लोगों के लिए शब्द जो है यूज किया है, ठीक। तो संगम काल में जो है तीन जो प्रारंभिक राज्य हुए वो चोल, चेर और पांड्या ही थे, ठीक है। तो तीन मुखिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये नीतीश कुमार ने ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। सामाजिक कल्याण के विचारों से, ओके। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, इन पे जो है सरकार का स्वामित्व जो है होता है, ठीक है। निजी जो होगा उसमें तो खुद का होता है, सरकार को उसमें कोई वो नहीं होता है। विदेशी तो फिर देखो बाहर वालों का हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें सामाजिक कल्याण की विचार की बात है तो वो हो जाएगा सार्वजनिक, जिसपे जो है सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक। नेक्स्ट है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था, यह कार्यक्रम डैश की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो मिशन कुशल कर्मी,
ये शुरुआत की थी इसकी दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने जो है 2022 मीन्स 6 जुलाई 2022 को जो है श्रमिक जो कुशल हैं उनको उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी जो था शुरू किया था। ठीक है, तो दिल्ली हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? यहाँ पे बात हो रही है युवा ओलंपिक खेल, तो इसके पहले संस्करण का आयोजन किया गया कहाँ पे? सिंगापुर में। ठीक है, और युवा ओलंपिक खेल जो थे ये कब हुए थे? पहला जो ग्रीष्मकालीन इसका जो संस्करण हुआ था वो 2010 में हुआ था। ठीक है, अब अगर इन्होंने पहला संस्करण पूछा है युवा ओलंपिक खेलों का तो ये ग्रीष्मकालीन था। ठीक है, इसने ग्रीष्मकालीन यहाँ पे दिया नहीं है बट ये ग्रीष्मकालीन था। उसके बाद जो पहला शीतकालीन संस्करण हुआ 2010 में ये हुआ था, और 2012 में जो है पहला शीतकालीन संस्करण हुआ था जो कि इंसब्रुक में जो था हुआ था। ठीक है, इंसब्रुक कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे ये वाली चीज़ पूछ सकता है जो पहला संस्करण है तो वो आपसे शीतकालीन का भी पूछ सकता है, तो वो इंसब्रुक में आयोजित हुआ था 2012 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? अगस्त सितंबर के महीने में पूछा है। तो देखो, मकर संक्रांति तो बिल्कुल जैसे ही ईयर शुरुआत होती है जनवरी के महीने में ही जो है मना लिया जाता है। ठीक है, ओणम है जो कि कब मनाया जाता है? अगस्त सितंबर के महीने में। ओणम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से जो है संबंधित है। ठीक है, और ये जो त्यौहार है फसलों की कटाई के रूप में जो है मनाते हैं, जो फसल कटती हैं उसके बाद जो है मनाया जाता है, मतलब उस उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है अगस्त और सितंबर के बीच में। बीकानेर महोत्सव की बात करें तो ये भी जनवरी में ही मनाया जाता है, और मकर संक्रांति भी जनवरी में ही मनाई जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी बनारस में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस। देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में कब हुई? तो 1791, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, और जो नाम यहाँ पे देखेंगे आप हिंदू कॉलेज है ये बनाया क्यों गया था? जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ थे उनके अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए जो था इसको 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किस किसने की थी? जोनाथन डंकन और उस वक्त के जो गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस, इन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी अगर हम बात करें तो इसी हिंदू कॉलेज को प्रेसिडेंसी विद्यालय बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहां पर की थी? लंदन में की थी। ठीक है, किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त पलावी और तलवासी रूप में होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त पलावी और जलवासी जो है होते हैं, तो ये हो जाएंगे प्राणी पलवक। ठीक है, क्या हो जाएंगे? प्राणी पलवक। प्राणी पलवक को क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्विमिंग और से पूछा गया है कि मुक्त पलावी मतलब फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? प्राणी पलवक होते हैं, यानी कि जू प्लैंकटॉन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया इसमें। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस, तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण और बुनियादी उद्योग, पहली पंचवर्षीय महालनोबिस मॉडल और चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। यहाँ पे जो बताना था वो बताना था सही युग्म। तो देखो दूसरी तीसरी और पहली इन्होंने जो है गड़बड़ कर रखी है इसमें, आगे पीछे दे रखे हैं ये, ठीक है। जो इसमें से सही है वो तो आपको याद रखनी है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था, परिवार नियोजन कार्यक्रम से रिलेटेड थी, ठीक है। अब हम वन बाय वन जो है इसकी बात करते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी, ना कि महालनोबिस पे, ये हैरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। महालनोबिस जो मॉडल था ये किस में था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में था, तो ये महालनोबिस पर बेस्ड थी, ठीक है। और तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी तीव्र औद्योगिकीकरण पर नहीं, कृषि पर फोकस था, जो यहाँ पे ऊपर दूसरी में दिया गया है, कृषि पर फोकस था इसका, ठीक। और चौथी परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 1969 से लेकर 64 तक जो था चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम है, ओके। चलिए जी अगला देखिए। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। नाम है अब्दुल करीम खान, तो ये किराना घराना से रिलेटेड है, ठीक। किराना घराना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इनके मैं बता देती हूँ संस्थापक, इसमें ग्वालियर घराना भी दिया है। सबसे पहले हम बात करते ग्वालियर घराना की, तो ग्वालियर घराना के जो संस्थापक माने जाते हैं वो नाम आपने सुने होंगे, उस्ताद हुद खां, ठीक है। इसमें जो सबसे फेमस नाम आता है हुद खां का ही आता है, हद्दू खां कह लो, हद्दू खां। एक और नाम आता है हसू खां और नाथू खान, ठीक है। ये जो है ग्वालियर घराना के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया दिल्ली घराना, तो दिल्ली घराना के संस्थापक है मियाँ सिद्धार खान, सिद्धार खान, ठीक। एक और आता है बनारस घराना का, तो पंडित गोपाल मिश्रा है उसके, पंडित गोपाल मिश्रा, ठीक। तो बस ये याद रखिएगा। पटियाला घराने से जो पूछे जाते हैं वो उस्ताद अली बख्श का नाम आता है, क्योंकि एग्जाम में वो आ चुका है उस्ताद अली बख्श किस घराने से संबंधित, तो वो पटियाला घराना से, वो मैं करा भी चुकी हूँ आपको क्वेश्चन पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 जो है ये राजस्थान सरकार द्वारा जो थी शुरू की गई थी, और इसमें जो जैसे मनरेगा में जो है 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो उसी के बेस पर थी ये योजना, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने शुरू की थी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। उच्चतम गुणवत्ता वाला कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक। एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे सर्वोच्च किस्म का कोयला जो है माना जाता है, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला ये हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं। सिर्फ रबी की फसलें जो इसमें हैं वो है जौ और चना, ये दोनों ही क्या हैं, रबी की फसलें हो जाएगी। रबी की फसल की अगर हम बात करें, रबी की जो फसलों की बुवाई होती है वो अक्टूबर दिसंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है इनकी बुवाई होती है, और अप्रैल और जून में जो है ये काट ली जाती है, अप्रैल जून में काट ली जाती है। और इसमें अगर हम देखें रबी की फसलों में तो क्या आती हैं, गेहूँ, क्योंकि गेहूं आप देखेंगे तो गेहूं गर्मियों में जाके कटता है, तो ऑब्वियस है सर्दियों में उसकी बुआई जो है होती है, ठीक है। तो गेहूं, जौ, चना, तिलहन, ये सब क्या है, रबी की
फसलें हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे जवार था, जवार बाजरा, देखो बाजरे वगैरह की रोटियाँ हैं जो ये इसमें खाई जाती हैं सर्दियों में। ठीक है, तो ये कैसी हैं? खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। तो जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, धान, ये चावल, ठीक है, कपास तो नहीं। तो जवार, बाजरा, तुअर, रागी, ये जो है खरीफ की फसल हो जाएंगी। ठीक, चलिए अगला देखिए। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ज्योतिबा फुले से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो गुलामगिरी जो इन्होंने लिखी थी, या ये जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए एक साहित्य माना जाता है, और 1873 में शुरू में ये मराठी में लिखी गई थी। ठीक है, मराठी भाषा में जो है सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 1976 में, 1976, 42वां संशोधन, ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा जो था मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और उस वक्त कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। एक ये पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी ये? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो थी ये जोड़ी गई थी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य तो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट बतानी है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोला जाता है त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक जो है बताना है, तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। मीटर पर सेकंड स्क्वेयर जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सोनल मानसिंह को। और ये किस डांस से बिलोंग करती हैं? भरतनाट्यम डांसर हैं ये। साथ साथ जो हैं ये क्या हैं? ओडिसी डांसर भी हैं। ठीक है, भरतनाट्यम तो है ही और साथ में क्या हैं? ओडिसी डांसर भी हैं। और राज्यसभा की जो हैं ये क्या रह चुकी हैं? मेंबर रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी जो है भरतनाट्यम नर्तिका है जो कि राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं? तो वो हैं सोनल मानसिंह। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये था विजयनगर शासकों के द्वारा। नाम याद रखना आपको, अनंतराज सागर जलाशय। ठीक, तो विजयनगर बिल्कुल यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना नदी है जो कि भारतीय हिमालय से निकलती है। ठीक, और एक और क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी ही जो है हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये? यमुनोत्री नामक जगह से जो है निकलती है। और कहाँ पर ये गंगा में मिलती है? तो प्रयागराज में। प्रयागराज में जो है यमुना जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। उत्तर से ये कहाँ बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक, और यमुना नदी की अगर सहायक नदी आपसे कोई पूछे तो कौन कौन सी होगी? चंबल नदी। ठीक है, केन, केन के साथ एक और नाम लिया जाता है बेतवा। ठीक, ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं।
और यमुना के किनारे पर कौन से शहर बसे हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए? एक है दिल्ली और दूसरा है आगरा। ये दोनों जो शहर हैं ये यमुना नदी के किनारे पर बसे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? पंडित रविशंकर, तो रविशंकर ने जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा थी वो उस्ताद अलाउद्दीन खान से जो थी प्राप्त की थी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अलाउद्दीन खान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, और अलाउद्दीन खान भी जो है सरोद वादक थे और पंडित रविशंकर भी क्यों हैं, क्या हैं, सरोद वादक ही हैं। ठीक है, सॉरी सरोद नहीं, सितार वादक में भी क्या लिखे जो, सॉरी सितार वादक। अलाउद्दीन खान जो थे ये सरोद वादक थे जो गुरु थे इसके, और लेकिन पंडित जो ये थे रविशंकर ये सितार वादक थे, ये थे सरोद वादक अलाउद्दीन खान। ठीक है, रविशंकर सितार वादक हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर, ओके, त्र्यंबकेश्वर जो है ये हो जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, यहाँ पे त्र्यंबकम जो है एक गांव भी है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और यहीं से जो है ब्रह्मगिरी, कौन सा, ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत से जो है गोदावरी नदी निकलती है। ठीक, तो गोदावरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी? मतलब किस फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो हमारे उसमें होती है, मतलब जो हम खाते हैं वो किस रूप में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, ग्लाइकोजन, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उससे जो एनर्जी हमको मिलती है वो किस रूप में जो है हमारे जो बॉडी है, शरीर है, उसमें वो इकट्ठे होती है, संग्रहित होती है, किस रूप में? तो वो होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर ग्लाइकोजन हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, कोलम ए को कोलम बी से जो है मिलाना है, यहाँ पे मैच करना है कि ये कौन सा किसका नाम है। देखो एस्कोर्बिक एसिड तो विटामिन सी का हो जाएगा, तो सी पे ए मिलेगा, या सी का कोबलामिन होता है, सी का एस्कोर्बिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए, विटामिन ए होता है रेटिनॉल, विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल होता है, और B12 को कहा जाता है कोबलामिन, और विटामिन डी कैल्सीफेरोल होता है, ये एर्गो जोड़ दिया इसमें, लेकिन कैल्सीफेरोल आपको याद रहेगा, कैल्सीफेरोल, एर्गो कैल्सीफेरोल, ये विटामिन डी का नाम होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको सारे बताए थे पिछले वाले वीडियो जो की हमने प्रैक्टिस किया क्वेश्चन में, उसमें जितने भी है मैंने सबका नाम आपको बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? ओके, पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है कि ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा केरल में, केरल बर्ड एटलस, केरल बर्ड एटलस। ठीक, तो यहाँ पे केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? शहर का नाम पूछा जो कावेरी डेल्टा में विजयालय के द्वारा बनाया गया था, तो ये हो जाएगा तंजावुर। विजयालय जो था ये थे चोल वंश के संस्थापक, कौन था ये, चोल वंश का जो है संस्थापक माना जाता है किसको, विजयालय को। ठीक, तो याद इसको आपको रखना है। और तंजावुर में एक और चीज जो स्थित है वो क्या है, वृद्धेश्वर मंदिर, पूछा जाता है वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये तंजावुर में स्थित है। ओके, चोल वंश
के संस्थापक विजालय थे, लेकिन चोल वंश के जो महान शासक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? राजराज और राजेंद्र प्रथम। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि गंगईकोंड चोल की जो उपाधि थी वो किसने धारण की थी? तो वो राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आता है फिर, तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो चोलों ने करवाया था। या तो चोल देंगे वहां पे आंसर में, या फिर राजराज देंगे। ठीक है, या तो नाम देंगे या वंश का नाम देंगे। तो तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिरों का निर्माण चोल वंश ने करवाया था, और चोल वंश में किस राजा ने करवाया था? ठीक है, तो राजराज जो है आपको याद रखना है, राजराजा ने जो है वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखो, समानता का भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी है, और शोषण का भी है। मत देने का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, मत देने का अधिकार इसमें नहीं आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से लेकर 22 तक, तो वो तो इसमें गिवन नहीं है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आता है। फिर 23 और 24 ये हो जाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, फिर जो भी किसका ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये 29 और 30 में मिलता है, और 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। ठीक, तो ये 6 हो जाएंगे मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ओके, जो सेंट्रल बैंक का वर्क नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देश की मुद्रा को जो है ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्रेडिट जो भी होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये सही है। यह देश की मुद्रा जारी करता है, यानी कि जो करेंसी होती है वो कौन जारी करता है? RBI ही करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है, तो बिल्कुल मुद्रा भी जारी करता है, और यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में जो है कार्य करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यह जनता से जमा स्वीकार करता है, पब्लिक से जो है ये मनी नहीं लेता है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर पब्लिक को अगर अपना पैसा इकट्ठा करवाने जाना भी है तो वो RBI में थोड़ी जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी जाती हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, नहीं जाते ना, कोई भी जो सरकारी ब्रांच होती है उसमें जाते, जैसे SBI हो गया। ठीक, लेकिन हम RBI में नहीं करते हैं, तो यह जनता से जमा स्वीकार करता है, ये जो है कार्य नहीं है सेंट्रल बैंक का, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। जो डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो क्या होता है? तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ जाएगा यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य PC महालनोबिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था? ओके, देखो इन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ये सही है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है CSO उसकी जो है नहीं CSO नहीं क्या कहते हैं उसको CSO तो सेंट्रल हो जाएगा ना, ISO इंडियन पूछा इसने, भारतीय। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है उसकी स्थापना की थी, तो बिल्कुल की थी। इन्होंने सांख्य पत्रिका की जो है स्थापना की, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर इसमें पूछा गया है, बताया गया है कि जो महाल नोबिस है इनका जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था, तो नहीं, देखो भारतीय योजना के ये वास्तुकार माने जाते, तो 1983 में कैसे इतना लेट कैसे इनका जन्म होगा? ठीक है, तो ये ही जो है यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है,
ही वॉज बॉर्न इन 1893, नॉट 1983, 1893 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। तो ये इसमें मिस्टेक थी, तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर कौन सा पुरास्थल है? यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर बताना है कौन सा पुरास्थल है। तो ये है दाउजली हेडिंग, ठीक। तो दाउजली हेडिंग जो है आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल है जहाँ पे जेडाइट जो पत्थर है वो पाया गया था। जेडाइट पत्थर प्रॉपर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में आया भी है। तो ये है दाउजली हेडिंग, ठीक है। दाउजली हेडिंग चीन में है, चीन से जो है ये आया था, तो इसलिए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रण उत्सव जो है ये गुजरात, गुजरात पर्यटन की जो है ये क्या है, एक पहल है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रण उत्सव गुजरात में जो है सेलिब्रेट होता है। ओके, एक और उत्सव पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, लोक रंग उत्सव। लोक रंग उत्सव जो है ये एमपी में सेलिब्रेट किया जाता है, मध्य प्रदेश में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमपी का। रण उत्सव गुजरात में हो जाएगा। गणगौर तीज ये आपको पता है राजस्थान में, गुड़ी पाड़वा भी पता है, गणेश चतुर्थी भी पता है, महाराष्ट्र में मनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये हमने बहुत बार सुने हैं, लेकिन लोक रंग उत्सव रण उत्सव इतना नहीं सुना होगा, तो ये याद रखने आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? यहाँ पे बात हो रही है 2024 की, तो ये होगा गंगवान में, ठीक है। कहाँ पे? गंगवान में। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन एक और पढ़ा था ना, युवा ओलंपिक खेल जो पहला संस्करण था कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था ग्रीष्मकालीन का, और शीतकालीन का कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। तो ये गंगवान में जो है इस खेल का आयोजन किया जाएगा, हो चुके हैं ये जनवरी में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई थी? पहली संपूर्ण जनगणना इसने पूछा है। देखो आधुनिक भारत में जो जनगणना की शुरुआत मानी जाती है वो 1872 में मानी जाती है, लेकिन जो समकालीन जनगणना या पूरी जो जनगणना है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए 1881 संपूर्ण जनगणना जब भी आएगा 1881, और उसके बाद फिर ये हर 10 साल के अंतराल पे होने लगी थी। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी स्वतंत्र भारत की, तो ये हुई थी 1951 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तक से जोड़ता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विद्युत विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया विधेयक डैश में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2003 में स्थित विद्युत अधिनियम में संशोधन ये करता है, ठीक। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था, यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? कौन सा है? पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम, तो ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये जो गांव होते हैं उनमें स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करने से रिलेटेड था, ठीक है, फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? फोक डांस पूछा है अभी यहाँ पे, तरंग मेल, तरंग मेल जो है ये गोवा राज्य का लोक नृत्य है, फोक डांस है गोवा का, ठीक है। ओके, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला देखिए,
AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए? मुक्केबाजी की बात हो रही है जूनियर लड़कियों लड़कियों की प्रतियोगिता में, तो जो एक राउंड है प्रत्येक राउंड जो है वो 2 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो कौन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 10 अप्रैल 2022 तक कौन थे? भूपेश बघेल थे। ठीक है, लेकिन अभी आई थिंक चेंज हुए थे ना छत्तीसगढ़ के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो है चेंज हुए थे उनका जो नाम है वो है विष्णुदेव साय। तो क्योंकि चुनाव हुए थे अभी और उसमें जो है बीजेपी जो थी बीजेपी ने जीत हासिल की थी और तो चेंज हुए हैं, और जो पहली बार जो है आदिवासी मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं उनका नाम है विष्णुदेव साय। ठीक है, तो भूपेश बघेल आपको याद नहीं रखना है, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन है अभी प्रेजेंट में, तो विष्णुदेव साय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, तो वो हैं सरोज खान जो हैं 3 बार जो है जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जो है जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश में की गई थी? देखिए 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, ढाका के नवाब थे कौन? सलीमुल्ला खान। उनके नियंत्रण में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, तो ढाका इसमें हो जाएगा। पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था इसका, और पहले स्तर की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? आगा खान ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। ओके, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? जड़त्व होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं द्रव्यमान को? मास बोला जाता है। ओके, और जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया होता है। अब कई ऑब्जेक्ट का अगर मास जितना ज्यादा रहेगा उतना ही क्या होगा? उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ग्रेटर द मास, जितना ज्यादा उसका मास उसका जो जड़त्व है इनर्शिया है वो भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, और भी क्वेश्चन है इसमें, चलिए आगे देखते हैं। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए मुगल के जो आखिरी शासक माने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, मुगल वंश के जो आखिरी वो रहे शासक कौन रहे? तो बादशाह जफर ही रहे थे। ठीक है, तो 1857 में जो है जब विद्रोह हुआ था तब मुगल सम्राट बादशाह जफर ही थे। ठीक है, जो कि 19वें और अंतिम मुगल सम्राट जो है माने जाते हैं बादशाह जफर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गायिका सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष डैश के लिए कलामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2021 का जो कलामणि अवार्ड है वो दिया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा सुजाता और अनंतु को। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियमित किया गया है? तो ये हो जाएंगी माधवी पुरी भुज। ओके, अब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड क्या है? इसका मतलब है सेबी। ठीक है, सेबी के जो अध्यक्ष हैं अभी, अगर प्रेजेंट की भी पूछी जाती है, वर्तमान अध्यक्ष भी आपसे पूछी जाती है, तो वो कौन है? माधवी पुरी भुज ही है। ठीक है,
ओके, तो मतलब जब क्वेश्चन आया था तब ये नामित की गई थी, अभी प्रेजेंट में भी जो है यही है। अब आता है सेबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो सेबी क्या होता है? ये सिक्योरिटी, एस से सिक्योरिटी बनेगा, ई से एक्सचेंज बनेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, बी से बोर्ड बनेगा और आई से इंडिया बनेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो अभी अध्यक्ष है वो है माधवीपुरी बुच। चलिए अगला है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 97% जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। ओके, तो ये राइट आंसर रहेगा। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना डैश में हुई थी। तो इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1940 में, किसके द्वारा की गई थी? त्रिदिब चौधरी, त्रिदिब चौधरी द्वारा जो थी इसकी स्थापना की गई थी। ओके, चलिए अगला है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को डैश को लोकसभा में पेश किया गया था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है संशोधन विधेयक, ये 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर पूछी है, तो वो है 17.70%। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संतरे में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल, देखो सुमेलित नहीं है पूछा है, संतरे में जो पाया जाता है वो सिट्रिक ही पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बासी जो मक्खन होता है उसमें ब्यूटिरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे जो गलत दे रखा है वो क्या दे रखा है? टमाटर में पाया जाने वाला, तो टमाटर में जो है फॉर्मिक एसिड नहीं पाया जाता, इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। बेटी की मिनट। ओके, फॉर्मिक जो एसिड होता है ना ये किस में होता है? चीटी जो काटती है, चीटी के काटने में क्वेश्चन आता है, चीटी के काटने में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड जो है पाया जाता है चीटी के काटने में। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन आता है कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ठीक है, तो टमाटर भी आपको याद रखना है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया, यह विधेयक डैश में स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 2022 में आपराधिक प्रक्रिया एक नया विधेयक पेश किया, ये 1920 में जो स्थापित है बंदी शिनाख्त अधिनियम उसको जो है क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा जंतु हो जाएगा? प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, इसमें एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जूट का पहला कारखाना तो ये हो जाएगा रिसडा, पश्चिम बंगाल में 1855 में जो है पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी, हुगली नदी पर रिसडा में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है, सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच का अंतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताओं के बीच का जो है अंतर है। ठीक है, अब बात आती है कि सकल प्राथमिक घाटा मतलब क्या बोलेंगे इसको, सकल मतलब ग्रॉस, प्राइमरी और डेफिसिट। ठीक है, ग्रोस, प्राइमरी, डेफिसिट,
ये डिफरेंस होता है किस किस के बीच में का, सकल राजकोषीय घाटा यानी कि ग्रोस, राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट, माइनस शुद्ध ब्याज यानी कि नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। ठीक है, ये दोनों में मैंने आपको बता दिया है, तो जिसको हिंदी में समझ आता है वो हिंदी में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। ओके, देखो जवारा, मटकी और फूलपति, ये तीनों ही जो हैं कहाँ से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश से। जो नहीं है वो है लाहू। फिर लाहू कहाँ का है, ये मेघालय का। ठीक है, ये मेघालय का लोक नृत्य हो जाएगा। बाकी तीनों फूलपति, मटकी और जवारा, ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। रक्षाबंधन आता है पूर्णिमा श्रावण मास को। ठीक है, श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में डैश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये हो जाएगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एमपी में भी जो है चुनाव जो थे अभी हुए थे। ठीक है, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में पढ़े, तो ऐसे ही जो है एमपी में सीएम और राज्यपाल जो हैं दोनों ही बदल दिए गए हैं। तो पहले तो इन दोनों का आपको नाम पता होना चाहिए कि सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो देखो राज्यपाल तो यही है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, लेकिन चुनाव हुए थे तो आप सभी को पता है एमपी के जो सीएम है वो शिवराज सिंह थे। ठीक है, लेकिन अभी कौन है, अभी है मोहन यादव। ठीक है, चेंज हुए हैं, जहां जहां पर बीजेपी जीती है वहां पर जो है सीएम को चेंज किया गया है, उन्हीं को वापस नहीं बनाया गया है। तो याद रखना है मोहन यादव को सीएम बनाया गया है। और इसके अलावा जो जगदीश देवड़ा है, ठीक है, और राजेंद्र शुक्ल, इनको बनाया गया है डिप्टी सीएम। ठीक है, डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। ठीक, तो मध्य प्रदेश याद रखना है, मोहन यादव अभी प्रेजेंट में सीएम है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेलों की बात हो रही है, तो एशियाई खेल जो थे सबसे पहले तो ये कौन से थे, 18वें जो थे एशियाई खेल थे, जो कि जकार्ता पालेमबांग में जो है आयोजित किए गए थे, यानी कि इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में जो थे ये आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया। ठीक, और 2024, सबसे पहले तो ये याद रखो कि हाँ बस इतना याद रखना। ठीक है 2022 का और याद रखना, क्योंकि 4 साल बाद होते हैं, तो 22 ये मैंने करवा भी दिया आपको करंट अफेयर में, चीन में जो थे 2022 के हुए थे। ठीक है, आगे अब 26 में होने हैं ना, तो 26 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनेगा। तो ये जापान में होगा, जापान के नागोया में। ठीक है, 2030 में कहाँ पे होने वाला है, कतर के कौन से शहर में, दोहा में। ठीक है, और 2034 में जो एशियाई खेलों का आयोजन है वो होगा सऊदी अरब में, कहाँ पे, रियाद में। ठीक है, ये शहर का जो नाम है वो भी याद रखना है, क्योंकि कुछ भी आपको दे सकता है, हो सकता है वो जापान ना देके आपको नागोया दे सकते हैं। ठीक है, आईची नागोया, तो वहाँ पर होगा, चीन में हुआ था ये हांगजो शहर में 2022 में, और ये इंडोनेशिया और जकार्ता पालेमबांग बैंग में जो है इसको आयोजित किया गया था 2018 के एशियाई खेलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नकद पुरस्कार दिया गया? तो नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये 3 लाख रुपए जो है दिया गया था, ठीक है? 3 लाख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है, जो तांबे से ज्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशील है, तो वो हो जाएगा जिंक, ठीक है? जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? तो ये ऊपर आया था ना आर्टिकल वाला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 में है, ठीक? निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है? कौन सा सोडा लाइम है, इसने ये पूछा है। तो NaOH जो है हो जाएगा। देखो, सोडा जो लाइम होता है ना, ये किस किस का मिश्रण होता है? एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ठीक है? प्लस सोडा लाइम की बात हो रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखेंगे? CaO, CA से कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड O से हम डिनोट करते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा NaOH और CaO, ठीक है? सोडा लाइम का अगर आपसे वैसे अगर केमिकल फॉर्मूला आ जाए तो वो क्या रहेगा? CaH NaO2, ठीक है? तो NaOH और CaO जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? देखो, एक ही शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए, 2018 का भी पूछ लिया और 2022 का। अभी मैंने आपको बताया हांगजो, चीन में। देखो, चीन में, देखिए, इसीलिए मैं कह रही थी कि क्या नाम नाम पता होना जरूरी है शहर का, तो हांगजो चीन में, ठीक? 2026 का कहाँ होने वाला है? जापान के नागोया में, ठीक है? नागोया, ठीक। चलिए अगला देखिए, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में डैश में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। तो ये 1840 में बंबई में जो जाति उन्मूलन है उसके लिए जो थी परमहंस मंडली की जो थी स्थापना की गई थी, ठीक है? 1840 में। और किसने की थी? दडोबा पांडुरंग, दडोबा पांडुरंग ने जो है इसकी परमहंस मंडली की जो स्थापना थी वो की थी, ठीक? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंबश्री लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? कुटुंबश्री जो था ये लागू किया गया था केरल में, ठीक है? 1998 में जो था ये हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो था इसका क्या कहते हैं उद्घाटन, इस मिशन का उद्घाटन कुटुंबश्री का किया गया था, ठीक है? चलिए, 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पतन था, जहां दूर दूर के देशों से जहाजों द्वारा सामान उतारा जाता था? तो ये हो जाएगा अरिका मेडू। कौन सा था? अरिका मेडू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है ये? पुद्दुचेरी में है, पुद्दुचेरी में ये हो जाएगा, ठीक? तो तो ये हमने इसमें 100 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 97-98 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो इसमें ही जो ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ साथ जो मैं डिटेल दे रही थी वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं। जब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो 100 क्वेश्चन थे कहने को, लेकिन हमने कम से कम भी 150 क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।